हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीगल एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज के बारे में आपने बहुत सुना होगा और यूट्यूब पे काफ़ी सर्च भी किया होगा। बेसिकली कीगल एक्सरसाइजेज ज़्यादातर फीमेल्स को कराई जाती है पोस्ट डिलीवरी, अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। लेकिन कीगल एक्सरसाइज का उतना ही बड़ा यूज़ है मेंस के अंदर भी। यानी कि अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है और या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्सरसाइज करके आप अपनी इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स होती क्या है। दोस्तों, पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे पेल्विस की फ्लोर मसल्स यानी बेस मसल्स होती है, जिसके अंदर हमारा यूरेथ्रा, हमारा रेक्टम और हमारा ब्लैडर, ये तीनों स्टे करता है। जब भी इस मसल्स की वीकनेस होने लग जाती है तो पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन, डिफिकेशन या फिर यूरिन पे कंट्रोल ना होना, स्टूल पे कंट्रोल ना होना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के अंदर ये भी देखा गया है कि जब पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस उनको होती है तो उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आप ये होने वाली छोटी मोटी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकें। तो सबसे पहले आपको उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये जानना होगा कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स कौन सी होती है और इसको आप कैसे फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम ये आपको कहेंगे कि जब भी आप अपने यूरिनेशन के लिए जाएं, यानी कि जब आप अपने यूरिन करने के लिए जाएं, तो आपको अपने यूरिन को 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, या फिर आप जब गैस पास करने वाले हों तब भी आपको 5 सेकंड होल्ड करके रखना है। जब आप उस चीज़ को होल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रेशर आपको अपनी स्क्रोटम के नीचे फील होगा। वही मसल्स होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स, और इसी सेंसेशन को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आने वाली सभी एक्सरसाइज के अंदर आपको इसी मसल्स का यूज़ करना है और आपको पता होना चाहिए कि उस मसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उस मसल के ऊपर प्रेशर सही तरीके से आ रहा है तो आप प्रॉपर पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि इजीली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब के अंदर ज्यादातर एक्सरसाइजेस जो पेल्विक फ्लोर मसल्स के नाम से लोगों ने डाल रखी है, उसके अंदर या तो वो लोअर बैक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या फिर वो कोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज के लिए आपको खुद को फील करना पड़ेगा कि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उस पर कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्शन आ रहा है या नहीं एक्सरसाइज करने के बाद में। तो चलिए, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, और पहली एक्सरसाइज भी कह सकते हैं या फिर हम इसे इसको पहला टेस्ट भी कह सकते हैं आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ को जानने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कही थी कि आपको अपने यूरिन को होल्ड करना है। अगर आप अपने यूरिन को 5 सेकंड होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर, या फिर जब भी आप गैस पास करने वाले होते हैं तो भी आप उसको होल्ड रखें। होल्ड करने पर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स फील होगा वही है आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो पहली एक्सरसाइज आपको यही करनी है, जब भी आप यूरिनेशन और गैस पास करने जाएं तो आप इसे 5 से 10 सेकंड होल्ड करें, जिससे कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स पे अच्छा प्रेशर फील हो और वहां की स्ट्रेंथ प्रॉपर बनी रहे। तो अब दूसरी जो एक्सरसाइज है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके लिए आपको बिल्कुल आराम से सीधा बैठना है और अपने स्क्रॉटम के नीचे जो मसल्स पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है एक ट्रायंगल की शेप के अंदर, जैसा कि हमने आपको दिखा रखा है इस वीडियो के अंदर, इस मसल्स पे एक अंदर की तरफ से कॉन्ट्रैक्शन आएगा और फिर आपको उसको ढीला छोड़ना है। आपको उसको खींचना है, 3 से 5 सेकंड इसे होल्ड करना है और फिर वापस ढीला छोड़ देना है, जैसा कि हमने वीडियो में दिखा रखा है। इस सेम एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है और हर बार 10 रिपीटेशन आपको इस एक्सरसाइज के लिए लेने हैं। ये एक्सरसाइज भी आप रेगुलर करने से आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपकी यूरिन पे अच्छा कंट्रोल और बाकी प्रॉब्लम को भी आप काफी हद तक सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें इस तरह से लेटना है और दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों घुटनों के बीच में तकिए को रख लेना है। अब आपको दोनों घुटनों की ताकत से तकिए को अंदर की तरफ प्रेस करना है और आपकी पेल्विक फ्लोर मसल जो आपके बिल्कुल स्क्रोटम के नीचे ट्रायंगल की शेप के अंदर होती है, इस मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर इसको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और छोड़ देना है। आपको ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना है और वो सेम फीलिंग जब आपने यूरिन को होल्ड किया था वो सेम फीलिंग आपको फील होगी जब भी आप इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, और कुछ टाइम जब आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो अंदर की तरफ इसको पुश करें, पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, 5 सेकंड होल्ड करें और इसे छोड़ दें, अंदर की तरफ प्रेस करें और फिर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें अच्छे से और फिर इसे रिलैक्स करें। दोनों तरफ से दबाएं पिलो को और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें,
बहुत अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्ट फील होगा आपके स्क्रोटम के नीचे वाली पेल्विक फ्लोर मसल्स पे। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार 10-10 रिपीटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइज आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको अपने यूरिन पे ब्लैडर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आपको लीकेज का कोई इशू है यूरिन का तो आप इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके अपने इस इशू को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही आपकी डिफिकेशन के अंदर या फिर आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा इस एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करने से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन हमने आपको फील कराया था उसको आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज करें आपको उसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। इसी एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेसिस पे अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।